बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देहरादून में भयंकर आग से हाहाकार है। खबर मिल रही है कि स्टोर में आग लगने से हड़कंप मचा है, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह क्या थी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन राजधानी में एक स्टोर की आग किस कदर बढ़ गई, रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियां भी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा पाती हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जरा तस्वीरों को देखिए, विकराल धुएं के गुबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी में किस तरह का माहौल रहा होगा। इस काले धुएं से ज्यादा नुकसान होता है। आसपास के इलाकों में भी जो लोग पेशेंट होते हैं अस्थमा के, या फिर बच्चे बुजुर्ग, उनके लिए आसपास की आग भी बहुत भयानक साबित होती है। बहरहाल काफी नुकसान हुआ होगा इस स्टोर का। चलिए रवि कैतुरा से जानकारी लेते हैं। रवि, ये बताइए कि क्या अभी तक साफ हो पाया, आग कैसे लगी? बड़ा भयानक धुआं दिख रहा है साफ तौर पे, बहुत नुकसान हुआ होगा जाहिर। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रवि से हम डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आकलन तो आग बुझने के बाद ही होगा कि कितने का सामान रखा हुआ था, काहे का स्टोर था ये, आग कैसे लगी। क्योंकि इन तस्वीरों से कम इतना तो सीखा जा सकता है कि जो गलती स्टोर में हुई वो बाकी स्टोर्स में ना हो। एहतियातन सावधानी बरतना ही एक आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं। आसपास दुकानें नज़र आ रही हैं, सबके शटर बंद हैं। हो सकता है कि संडे की वजह से क्लोज रहता हो, या बहुत सुबह की तस्वीरें भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर इलाके के लिए, राजधानी के लिए ये गुबार से भरी तस्वीरें आई हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। रवि जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, ये बताइए कि किस वजह से आग लगी, ये पता लगा क्या और कितना नुकसान हुआ? जी देखिए स्नेहलता, अभी इन कारणों की जो है जांच में जो है अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं। जो शुरुआत में अभी कारण पता किए जा रहे हैं उसमें ये है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है। कुछ जो है बिजली का एक जो स्विच था वो ऑन रह गया था, जिसके बाद जो है आग ने इस तरीके का भीषण रूप लिया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आग जब बहुत कम लगी हुई थी उसी समय जो है दमकल को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन देहरादून की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर गलियां बहुत संकरी हैं, और जिन संकरी गलियों के भीतर जो है इस तरीके के स्टोर हैं, ये एक पत्ता स्टोर था, वहां पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी वजह से जो है आग ने तब तक भीषण रूप ले लिया था। ऐसे स्टोर को परमिशन कैसे मिलती है रवि, किस चीज का स्टोर था, मैं सुन नहीं पाई, फिर से बताइएगा प्लीज। जी देखिए, ये पत्ता स्टोर था जहाँ पर जो है बहुत सारे जो कागज के जैसे जो पत्तल होते हैं या फिर डोंगे होते हैं इस तरीके के बनाए गए होते हैं, उन अच्छा। सब चीजों का स्टोर था, जिसमें की आग जो है बहुत ज्यादा जो है विकराल रूप ले लेती है। और इस तरीके की पहले भी कई बार ये शिकायतें आई हैं कि जो गलियों में इस तरीके से जो स्टोर चल रहे हैं उनको जो है देखा जाए, या फिर उनको वहां से जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि दमकल की गाड़ियां गलियां संकरी होने के लेकिन रवि बताइए, ऐसे स्टोर्स की परमिशन मिलती है क्या, एनओसी मिलती है क्या कि आप सकरी गलियों में पत्ते का स्टोर या कोई भी स्टोर, ये अलाउड है क्या? जी देखिए, अगर ये देखा जाए तो इस तरीके से गलियों में इस तरीके के स्टोर नहीं होने चाहिए, लेकिन देहरादून में हम जो है अक्सर देखते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे और मार्केट भी हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां मुश्किल जो है पहुंच पाती हैं, और फिर वहां पर जो है आग पर काबू पाना। और ये इलाका कैसा है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ स्टोर ही स्टोर है, बाकी कुछ जानकारी दीजिए इस इलाके की। जी देखिए, अगर इस इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जो कि गलियों में बने हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है आवासीय कॉलोनियां भी हैं, और यहाँ पर जो है तमाम इस तरीके की कॉलोनियां हैं, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। लेकिन अभी तक जैसे कि आपने बताया कि अगर इस तरीके से परमिशन दी जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर आग पर काबू पाना। तो इस तरीके से कोई मास्टर प्लान देहरादून का नहीं बनाया है कि जो है इन दुकानों को एक तरीके से शिफ्ट किया जाए, और यही एक बड़ी वजह होती है कि दमकल की गाड़ियों को बमुश्किल। बिल्कुल रवि, और ऐसी जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत तरह की चीजें, क्योंकि आपने बताया पास में कॉलोनी है, गलियां सकरी हैं, ये बताकर लोगों की जिंदगी रिस्क पे तो नहीं डाली जा सकती। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ऐसे स्टोर्स का पता लगाएं, वहां पर किस तरह से फायर एग्जिट है, मान लीजिए इसमें कोई काम कर रहा होता तो ये किसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही होती। ये बहुत बड़ा मसला है, ध्यान देना चाहिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे डिटेल लेने वाले हैं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।